देखिए बालों की समस्या पर आज बात कर रहे हैं। बाल झड़ रहे हैं, बालों में इन्फेक्शन हो जाता है, बाल कमजोर हो जाते हैं, तो कई तरह की ऐसी बालों की समस्या है जिसके समाधान के लिए आप न जाने कितने रुपए खर्च कर चुके होंगे, न जाने कितने डॉक्टर्स बदल चुके होंगे, स्किन स्पेशलिस्ट बदल चुके होंगे, बहुत तरह के ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपके बालों की समस्या अभी भी समस्या बनी हुई है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आयुर्वेद का, जिसको आप अपनाकर बालों को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं और बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, बालों में जब से तेल लगाना छोड़ दिया तो बाल आपके रूखे हो जाते हैं, बाल कमजोर हो जाते हैं और समय से पहले बाल आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको तेल लगाना चाहिए, आपको खाने में एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए जो आपके बालों को हेल्दी बनाए। खाने में क्या ले सकते हैं आप, आंवले का प्रयोग करें। अभी आंवले का सीजन भी है, और सीजन नहीं भी है तो आंवला मार्केट में किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है, मुरब्बे के फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में। आप आंवले का जरूर प्रयोग करें, जितना आप आंवले का प्रयोग करेंगे उतना ही विटामिन सी आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी त्वचा अच्छी होगी। तो आंवला बालों के लिए रामबाण है। साथ में तेल का मैंने जिक्र किया, आपको तेल घर में ही बना लेना है, बहुत आसान है बनाने का तरीका, आप उसका बनाकर प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ होगा। इसमें कैसे बनाना है आप ध्यान से सुनिए। सरसों का तेल, आपको प्योर सरसों का तेल लेना है, जो काली सरसों है या पीली सरसों कोई भी आपको मिल जाए, 200 ग्राम आप तेल ले लें। इसमें 50 ग्राम आप नीम के पत्ते, ताजे पत्ते तोड़कर लाएं, नीम के 50 ग्राम आप डालें, 50 ग्राम आप इसमें कढ़ी पत्ता ताजे लें वो भी आप इसमें डालें तेल में, और 50 ग्राम आप इसमें मेथी दाना, और साथ में आप इसमें डालिए 200 ग्राम आपने तेल लिया है तो कम से कम 200 ग्राम ही आंवला, जो कच्चा आंवला मार्केट से आपको मिल जाएगा, उसका आराम से उसको कद्दूकस कर लें और उसको तेल में डालकर इस तेल को बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद जो आपने पत्ते डाले हैं वो बिल्कुल जल जाते हैं, तब आप इस तेल को छानकर 24 घंटे के लिए धूप में रख दें, किसी कांच की बोतल में रखकर धूप में रख देंगे तो 24 घंटे के बाद ये तेल आपका अब तैयार हो जाता है लगाने के लिए। आप इसे कम से कम सप्ताह में 2 बार तो जरूर प्रयोग कीजिए, आप देखेंगे कि आपने जो लाखों रुपए खर्च कर चुके आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इस तेल से आपके बालों में क्या शाइनिंग आएगी, क्या आपके बाल हेल्दी होंगे, आप स्वयं कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिला है। तो इसी प्रकार हम आयुर्वेद को लेकर, योग को लेकर, भारत के विज्ञान को लेकर जो हम लगातार आप तक जुड़े रहते हैं, आपको इस ज्ञान विज्ञान से रूबरू कराते हैं, आप सभी हमें कोई भी समस्या है आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उसका जवाब भी जरूर देंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।